ज्ञानवापीना केस मामले एएसआई सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में रजू करवामां आव्यो छे। एएसआईए सीलबंद कवर में रिपोर्ट रजू कर्यो छे। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करवा मुस्लिम पक्ष की मांग। 21 डिसेम्बरे आ अंगे वधु सुनावणी हाथ धराशे। महत्वना समाचार, एएसआईए सीलबंद कवर में सर्वे रिपोर्ट जे छे ते रजू कर्यो छे। हवे 21 डिसेम्बरे वधु सुनावणी हाथ धराशे। अगाउ सर्वे की मंजूरी कोर्टे आपी हती, त्यारे आज रोज एएसआई द्वारा सर्वे रिपोर्ट जे छे ते रजू करवामां आव्यो। हवे वधु सुनावणी 21 डिसेम्बरे हाथ धराशे, परंतु मुस्लिम पक्षनी मांग छे के आ रिपोर्ट सार्वजनिक जे छे ते न करवामां आवे। ज्ञानवापी केस एएसआई द्वारा सर्वे करवामां आव्यो अने सर्वे कर्या बाद हवे सीलबंद कवरमां आ रिपोर्ट जे छे ते कोर्टमां रजू करवामां आव्यो छे। परंतु मुस्लिम पक्ष एवं कही रह्युं छे के आ रिपोर्टने सार्वजनिक न राख करवामां आवे, गुप्त रीते राखवामां आवे अने तेने ज लईने वधु सुनावणी हवे 21 डिसेम्બરે हाथ धराशे। एएसआई नी टीम द्वारा त्यां सर्वे करवामां आव्यो हतो। ज्ञानवापीमां सर्वे करव्या बाद हवे एएसआई नी टीम अने तेमना अधिकारीओए सीलबंद कवरमां रिपोर्ट रजू कर्यो। अजय वधु विगतो साथे जोड़ाई गया छे। अजय, आज रिपोर्ट तो पेश किया गया है कोर्ट में, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने ये मांग की थी कि इसको सार्वजनिक न किया जाए, क्या अपडेट प्राप्त हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक याचिका ज्ञानवापी मामले में डाली गई है, खास करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो इसकी रिपोर्ट है जो करीब 5 बार के टालने के बाद पेश की गई है, इसको सार्वजनिक न किया जाए क्योंकि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट को पेश कर लिया गया है, एक सफेद कपड़े में लपेट करके इस पूरी रिपोर्ट को पेश किया गया है। काफी बड़ी रिपोर्ट बताई जा रही है, और लेकिन साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि 21 तारीख को, तो 21 तारीख के वधु सुनावणी हाथ धराशे। आभार तमाम विगतों माटे।